नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम दौरा करने वाले हैं जो श्री रगतमल बैरून जी का मंदिर है, वहाँ के दर्शन आपको हम लोग करवाने वाले हैं। तो राजू काका, आज हम रगतमल बैरून जी के मंदिर का दर्शन जनता को करवाने वाले हैं, वो भी वहाँ पर जाकर। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक हम लोग वहाँ पर रुकने वाले हैं और वहाँ पर पूजा के अलावा कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं वो भी कवर कर आप तक हम लोग पहुँचाने वाले हैं। हमारे साथ है शिवरतन जी शर्मा, जो इस मंदिर के पुजारी जी हैं। इनसे हम जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। तो शिवरतन जी शर्मा, आप हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। ये श्री रगतमल बैरूनाथ महाराज का मंदिर लगभग 800-900 वर्ष पुराना है। मेड़ता शिट्टी ऐसे इतिहासकार बताते हैं कि 7 दफ़े वापस बसा हुआ है। और श्री रगतमल बैरूनाथ महाराज ने यहाँ के जो शासक थे और मुगल बादशाह की फौज, यहाँ पास में स्थित कुंडल सरोवर है जो पूर्व में युद्ध क्षेत्र था। मालकोट यहाँ का जो दुर्ग है वो यहाँ पास ही स्थित है। तो राजा यहाँ के जब मुगलों की फौजों से युद्ध हार गए थे और गुप्त रास्ता यही था मंदिर से युद्ध क्षेत्र में जाने का, तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मैं युद्ध हार गया और मेरी नगरी की रक्षा कीजिए। तो भगवान ने, रगतमल बैरूनाथ महाराज ने उनको वरदान दिया कि आप वापस जाके युद्ध करो। और उन्होंने युद्ध किया और मुगलों की फौज को हराया। उसके बाद में यहाँ का सबसे बड़ा भारी पर्चा 52 लखपति यहाँ से एक साथ मेड़ता सिटी छोड़ करके चले गए थे। उनमें से सांड गोत्र जैन समाज की, वो भी यही पास ही स्थित है सांडों की पोड़, उसमें निवास करते थे। ऑल दिस हिंदुस्तान जितने भी जैन गोत्र के सांड परिवार है वो यही मन्नत मांगने आते हैं। चाहे शुभ कार्य कोई भी हो, पहले बाबा को आकर के धोकते हैं और बाबा से मन्नत करते हैं और उनकी हर मनोकामना आज पूर्ण हो रही है। कलयुग में श्री रगतमल बैरूनाथ महाराज का मंदिर सेवकों के मोहल्ले में अग्रवाल समाज के भवन के पास मेड़ता सिटी में स्थित है। 36 कौम पूजा करने के लिए आती है और इस कलयुग में बाप जी का भारी चमत्कार है। बिना किसी लेन देन के, किसी भी तरह का कोई चढ़ावा या कोई धनराशि न तो पुजारी परिवार के द्वारा ली जाती है, न कोई किसी को बाध्य किया जाता है कि यहाँ ऐसा करो। ट्रस्ट बनी हुई है जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक है, विजयनगर के सांड परिवार के मेंबर है। जो रगतमल बैरूनाथ की रात दिन यहाँ पूजा करते हैं वो लगभग आज की तारीख में 50-60 व्यक्ति इस संस्था के सदस्य हैं। सभी अपने तन मन धन से बाप जी की रविवार को पूजा होती है और जो अभी आज पूजा होगी वो आपके सामने, आप खुद देखना यहाँ कितना प्रत्यक्ष चमत्कार है। तो ये मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है और अभी इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कार्य वो चल रहा है, तो आप हमें बताएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो क्या क्या इधर होने वाला है। ये प्राकृतिक आपदा अभी लगभग साल भर पहले इस मोहल्ले में हुई थी जिसमें इस मोहल्ले में 40 मकान एक साथ क्षतिग्रस्त हो गए। तो इस मंदिर को भी जो निज मंदिर था उसमें कुछ दरारें आई, तो सब भक्तों ने मिलकर के निर्णय लिया कि भाई रिपेयर करवाने से अच्छा है संपूर्ण मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया। तो सभी भक्तों ने एट दिस टाइम लगभग 21 लाख रुपए मेड़ता सिटी से हमको सहयोग में मिला। फिर हम विजयनगर गए, विजयनगर से हमको विजयनगर के सांड परिवारों ने लगभग 11 लाख रुपए एक दिए, 31 लाख रुपए एक ही व्यक्ति ने दिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो इस ढंग से ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मंदिर संपूर्ण तैयार होने के बाद में पास स्थित जमीन जो हमने जालौर जाकर के रगतमल बैरूनाथ मंदिर के नाम से लिए, जिसकी रजिस्ट्री बाप जी के नाम हो चुकी है, वहाँ हम धर्मशाला का 5 स्टार के रूप में निर्माण करवाने जा रहे हैं। वो भी कार्य अति शीघ्र आरंभ होगा। पैसों की कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन यहाँ भक्त खंडवा, हरसूद, छनेरा, मध्य प्रदेश, रतलाम, इंदौर, दूसरे राज्यों से भी यहाँ भक्त आते रहते हैं। हमने इस मंदिर के बारे में सुना है कि यहाँ पर कोई भी जो मनोकामना मांगी जाती है वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है। बिल्कुल आपने सही सुना है। किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति के कोई समस्या हो, चाहे पितरों की समस्या हो, चाहे भूत प्रेत बाधा की समस्या हो, चाहे काम धंधे की समस्या हो, चाहे अपने परिवार के लड़कों लड़कियों की शादी विवाह की समस्या हो, जो भी मन्नत इस कलयुग में आत्मा से बाप जी के दरबार में आकर के करता है उस व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना बाप जी की कृपा से अति शीघ्र पूर्ण होती है, पूरी होती है। तो ये थे हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी शिवरतन जी शर्मा, जिन्होंने जिनके साथ हमने जाना इस मंदिर का इतिहास। हृदय बिराजो
संत सरस्वती मात नेणा में रगत मल भैरुनाथ महाराज बिराजो बाबा सिद्ध करो सब काज के मात पिता सब रूठ गया अरे बाबा रूठ्यो कुटुंब परिवार एक परोसो दादा पुरो है मारे प्राण आधार के तार दे बाबा तार दे भगतारा संकट टारे शरण भगत अरदास सुनावे
हमारे साथ है विष्णु प्रसाद जी, जो यहाँ 24 सालों से शिवरतन जी शर्मा के साथ पूजा करने देख रेख करने का कार्य भी कर रहे हैं। तो विष्णु प्रसाद जी, जब आप यहाँ आते हैं, चलो आप तो आप ही ने पूजा की शुरुआत की थी शिवरतन जी शर्मा के साथ मिलकर, तो आपको यहाँ पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है क्या, सकारात्मक परिणाम? ऐसा है कि यहाँ जो भी आते हैं दुखियारी जीव आते हैं, अच्छा, जो परेशान हुए हुए आते हैं और उनकी जो भी तकलीफ होती है, जो भी मनोकामना होती है, अच्छा, और श्री रगतमल भैरुनाथ जी महाराज पूरी करते हैं। यहाँ पर जो भी कोई सवासनी आती है, अच्छा, जो जिनकी कोई शादी नहीं हो रही है, वो काम सबसे पहले होता है, अच्छा, या जिसे किसी की भी कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो काम सबसे पहले यहाँ सुना जाता है और वो काम होता है। और आज से 24 वर्ष पहले श्री मुख्य पुजारी जी शिवरतन जी आसीवाल, अच्छा, शांतिलाल जी मथुरिया और मैं पंडित विष्णु प्रसाद शाकद्वीपीय, हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना शुरू की थी, जो आज बाबा की कृपा से इतना विशाल मंदिर ये बन रहा है। ये एक जीता जागता प्रमाण है कि भाई आज यहाँ इतने श्रद्धालुओं का हर काम, हर मनोकामना पूरी हो रही है, तभी आज इतना बड़ा मंदिर, विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, पुनर्जन जीर्णोद्धार हो रहा है। और यहाँ आज तक जो भी आए हैं भक्तजन, उनको दुखी आते हुए ही देखा है हम सब ने, और जाते वक्त हंसते खेलते जाते हैं, मैंने भी देखा। और यहाँ का मुख्य ये है कि भाई आप निरंतर 5 हफ्ते, अच्छा, 5 रविवार आप यहाँ दर्शन करने मात्र, परिक्रमा देने मात्र आप आ जाओ और आपकी हर मनोकामना, हर चीज़ पूरी होती है। मानते हैं कि भाई ये कलयुग है, लोग और साइंस इसको नहीं मानता है, साइंस नहीं मानते, ठीक है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कलयुग के देव मात्र यही दो ही है, एक तो बजरंग बली और एक श्री रगतमल भैरुनाथ सरकार, जो भैरुनाथ भगवान है, अच्छा, ये कलयुग के जो हैं देव हैं, जीते जागते प्रमाण हैं। और बाकी आपने भी देखा होगा यहाँ इतने श्रद्धालु आए हुए हैं, अभी भी लगभग 100 जनों की भीड़ है, रविवार के दिन यहाँ सुबह से लेकर रात की 10 बजे तक भीड़ लगी रहती है, और हर रविवार को निरंतर पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से की जाती है। और अगर किसी को इस पे कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई सवाल है, तो खुद अपनी अरदास सच्चे मन से, यहाँ भगवान की परीक्षा लेने आपको नहीं आना है, अच्छा, आप सच्चे मन से अरदास लेके यहाँ आइए और 5 हफ्ते निरंतर आइए। अगर उस 5 हफ्ते में जैसे किसी माताओं बहनों का अगर कोई अरदास है, कोई विनती है, और वो उस 1.25 महीने में बीच में अगर कुछ अड़ी अटकाव में हो जाती है, तो इस दरमियान उनके जो परिवार के होते हैं या हस्बैंड है, पिता है, जो भी है, वो आ सकते हैं। अगर 5 हफ्ते निरंतर आते हैं तो आप खुद देख लीजिएगा कि भाई आपकी मनोकामना पूरी हो रही है कि नहीं। अब आप 100 तरह की चीज़ें लेके आओ कि मुझे तो एकदम कोई धन मिल जाए या ये ऐसा कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, वो तो होना नहीं है। हाँ, आपकी जो तकलीफ है या आप जो भटके हुए हो, अच्छा, आपको एक सही मार्गदर्शन मिल जाता है यहाँ पर कि भाई आपकी यहाँ भूल हुई है, ये चूक हुई है, आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। बस जय श्री भैरुनाथ। चंड मुंड का नाश किया था, देवों को वरदान दिया था, रक्त बीज का रक्त पिया था, रक्त दंता कहलाने वाली, जय शक्ति जय जय माँ काली, जय शक्ति जय जय माँ काली, मेरा दुख पहचानो माता, मेरी विनती मानो माता, दर्शे ही न पैरों काली, जय शक्ति जय जय माँ काली, जय शक्ति जय जय माँ काली, दासों का तुम क्या ली रखना, शिव को भी खुशहाली रखना, मैया माला माल सबकी आस बुझाने वाली, जय शक्ति जय जय माँ काली, जय शक्ति जय जय माँ काली, मेरा दुख पहचानो माता, मेरी विनती मानो माता, दर्शे ही न पैरों काली, जय शक्ति जय जय माँ काली, जय शक्ति जय जय माँ काली, बोल कालेश्वरी माँ की जय हो, सत विशाल शशि मन मीन कंचन लोचनी, बाल बदन विशाल कोमल वचन विघ्न विमोचनी,
सिंह वान धनुष धारण कनक तेतन सोहनी मुंड माल सरोज राजन मुनिन के मन मोहनी बिंदुते अधिक आनंद सर्व दर्शन रूप है सर्व सुख दाता विदाता सर्व दर्शन रूप है योग भोग विलासनी शिव पासई मगिरि नंदनी तुरत दुख निवारणी जग तारणी अभिनंदनी चित लाय चंडी चरित्र पढ़े दुख न पावे पुत्र मित्र कलत्र सुख बहुधन धान्य सुख संपत्ति मिले शत्रुनाश प्रकाश चंडी आनंद मंगल निधि मांगू मैं जोली पसार दीजो माई चावंडा मांगू मैं जोली पसार दीजो माई जगदम्बा मांगू मैं जोली पसार दीजो माई नागणेशा। नमस्कार देवी जयंती महारानी श्री मंगला काली दुर्गा भवानी मधु कैटप तुमने ते सदार दीने। नमस्कार देवी जयंती महारानी श्री मंगला काली दुर्गा भवानी कपालनी और भद्रकाली शमामा दुर्गा समा सवा श्री सवा रमामा। नमस्कार चामुंडे जगतारणी को नमस्कार मधु कैटप संदारणी को नमस्कार ब्रह्मा को वर देने वाली ओ भक्तों के संकट को वर लेने वाली तू संसार में भक्तों को यस्ती लावे तू दुष्टों के पंजे से सबको बचावे तेरे चरण पूजू तेरा नाम तेरे दिव्य दर्शन को आदे से मेरे नैनों की मैया शक्ति बढ़ा दे मेरे रोग संकट कृपा कर मिटा दे तेरी शक्ति से मैं विजय पाता जाऊं तेरे नाम के यश को फैलाता जाऊं मेरी आन रखना मेरी आन रखना मेरी शान रखना मेरी मैया बेटे का तुम ध्यान रखना बनाना मेरे भाग्य दुख दूर करना तू है लक्ष्मी मेरे भंडार भरना न निराश दर से मुझे तुम लौटाना सदा बेरियों से मुझे तुम बढ़ाना। अरज सुनो ओ बेरू मतवाड़ा अरज सुने अरे काशीरा वासे अरे टेम पड़िया दौड़िया वो दयालु नहीं तो गढ़ जुग में मारी बाबा ओ वेला हाजे रज सुन मेरो मतवाड़ा करो दाड़ी के लाला रज सुन मेरो मतवाड़ा करो दाड़ी के लाला कनक मणि मन मोए
कणक खा पर सिर सुन जाए रगत मल भैरव गाजे अरे भजन दिए करता संकट होवे दूर ज्ञान दा
दौलत भरपूर देखता दिन दिन बढ़ता दूर पूजता पड़ोजले जरो और तेल सिंदूर मिलाए थे और जो सजरी साल शुभ गणेश और जो सजरी साल जोग माल सेवक सुत कवि जोग माल सेवक सुत कवि गत के हमारे साथ है हंसराज जी मेहता, इनसे भी कुछ जान लेते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। आप यहाँ रेगुलर आते होंगे? बिल्कुल सर, थोड़ा जोर से बोलना। और यहाँ आपको भैरव जी की महिमा भी दिखाई देती होगी, भी कुछ ना कुछ चमत्कार तो यहाँ पर होता होगा। चमत्कार मतलब इतना होता है कि अप्रत्याशित, आप विचार नहीं सकते, सोच नहीं सकते लोगों के इतने काम यहाँ बन रहे हैं। अच्छा, और एक पैसे का भी यहाँ लेन देन, कोई मतलब किसी के ऊपर दबाव एक रुपए का भी नहीं है। और पंडित जी निःशुल्क यहाँ सेवा देते हैं और भैरू बाबा के नाम से यहाँ सब काम होते हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई पैसों का लेन देन नहीं, कोई नहीं, मतलब आपको एक पैसा रुपया कोई चढ़ाने की जरूरत नहीं है। सामग्री भी मंदिर ट्रस्ट खुद लगाती है। कुल मिला के आप यहाँ की महिमा को तो मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानते नहीं, हम तो रोज देखते हैं, देखा होगा प्रत्यक्ष देखते हैं हम तो। ये दोनों साथ है, वो जो पहले बता रहा हूं ना वो, ये दोनों साथ है। ये साथ है तो इसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है? नहीं, तुम्हारा जब दिमाग खराब होता है ना तो तुमको ये दिखाई नहीं देता यार आगे कौन है, सही है या गलत है। बस अब और बैठ दो, वो बैठ भगवान में पानी पानी। हमारे साथ सुमन जी है जो कि अजमेर से आते हैं। तो सुमन जी आप यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? मैं यहाँ कम से कम 5-7 बार आ चुकी हूँ। अच्छा, जब अभी ये 5-6 महीने से मेरा आना नहीं हो पा रहा था क्योंकि कंडीशन को बहुत ख़राब हो गई थी इसलिए। तो सुमन जी, जब आप पहली बार आप यहाँ आए थे, आप अपनी कोई समस्या यहाँ लेके आए होंगे? मैं यहाँ पहली बार नहीं भी आई थी, उससे पहले ही मेरी यहाँ समस्या पहुँची थी। अच्छा, तो उससे मेरे को एक बार में ही फ़र्क पड़ गया था। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी मम्मी के साथ और हस्बैंड के साथ आई थी, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ा। और फिर बाद में मतलब आना जाना लगा ही रहता था। जो पुजारी जी हैं उनके से काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है। रतन जी शर्मा, हाँ, उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है। तो मेरा के यहाँ आने के बाद आपके घर के अंदर पॉजिटिव इफेक्ट तो दिखाई दिया होगा? हाँ, काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट है। अभी 3 महीने पहले 8 मई को मेरे भाई का, ये मेरा भाई है, अच्छा, इसका एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो इसका एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ था तो हमें तो मालूम ही नहीं था कि कंडीशन क्या हुई थी, साथ में कोई था भी नहीं, दो जने थे, दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ था।
फिर मैंने वहीं से हॉस्पिटल से पुजारी जी को फ़ोन किया। अच्छा। और फिर उन्होंने जो भी था इसके साथ क्या हुआ घटना जो भी थी वो उन्होंने उसको समस्या को समझा और इसका निवारण किया। इसको 6 दिन से होश आया। अच्छा। आईसीयू में ही था ये 6 दिन में। उसके बाद अभी बिल्कुल ये ओके है। आज मैं इसको दोग दिलाने लगी। आप जो ये बातें भी बता रही है ना आप अपने मन से ही बता रहे हो ना कैसे आपको बोला गया है कि आपको नहीं नहीं मेरे को नहीं बोला मेरे साथ बीती है मेरे को पता है इसलिए अभी हमारा काम क्या है जनता तक सही चीज पहुंचाना है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो आप नहीं नहीं मेरे मन से बता रहे हो ना मेरे में जो बीती है वो मैं बता रही हूँ आपके साथ जो बीती है जो आपके साथ जो हो रहा है वही आप बता रहे हो वही मैं बता रही हूँ बेटा क्यों वास्ते यही तुम अरे यही वास्ते यही नहीं करो नहीं मन में जरा बेटा क्या मन माने धंधा होन चला डोगरी में शांति डोगरी तू बना मैं नाम लो मेरे बड़े नाम है मैं अब डोगरी माने मैं फ्री करूं के भाई साहब ने तो आ बा जाओ ए बहन जो बरा है भाई अटिन आ जाओ डोगरी में नहीं अटिन किसक जाओ अरे काई काई हुआ करे यार मैं तो की समझू नहीं मने एडिटिंग नहीं तुझे आयोडा है मैं अरे काई तो प्रश्न शूट करे नाम दिलो यार यूं पाप मत काटो कोई चीज को मैं बताए तुझे बे ना मुन्ना ना नाम दो है ना पाप कहते इतने बड़े इंटरव्यू दियो पूछ लो नाम दो नाम पर भी रो अरे थंगे अच्छी बात हुई कोनी क्यों मन भी रो टेंशन है क्यों भी डोगरा ला बबूती बाहर ला कितना जना है बस बोल देना है बाकी मेरता वाला ना आज जो बाकी मेरता वाला कह दियो नहीं जावे देंगे मर्जी है लो डॉक्टर आप पैरों से चला बारी बारी एक खाते आखने का एक गोरे आखने का दो ही है एक मिनट दे डॉक्टर मन वहाँ सफेद चिरमी समुद्र को जाग नमक मिर्च नींबू खंड राख दो हाँ सो तो सिरा तो रख दीजो ठीक है रख जाओ चल दो अंदर मूड लाइट कर लीजिए ना
नींबू तो दे दो जीरा जीरा काय धंदो करता हो मैं दो तीन हो बताओ से कोई लगा अच्छा हुआ और तो भी हमारे साथ हैं रामदयाल जी जो कि कुचेरा से लगभग यहाँ पर 10 से ज़्यादा बार आ चुके हैं। तो उनसे जानते हैं कि रामदयाल जी ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर 10 से ज़्यादा बार आ चुके हैं, ऐसा क्या आपके पॉजिटिव इफेक्ट सकारात्मक परिणाम पड़ा है कि आप लगातार यहाँ आते हैं? देखिए जी, मैं यहाँ पिछले 10 बार से मैं यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। और मेरे यहाँ आने से मेरे घर में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। अच्छा, इनके घर में आने से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हाँ, और मैंने एक ट्यूबवेल का पूछा था। हाँ। और ट्यूबवेल में भी मेरे पानी बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, इन्होंने एक ट्यूबवेल का पूछा था यहाँ पर और इन्होंने कहा कि आप उस जगह पे खुदवा ले। हाँ। और इन्होंने खुदवा भी दिया और बहुत अच्छा मीठा पानी मिला और बहुत कम गहराई पे भी उनको पानी मिला। तो ये भी आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिला। बिल्कुल परिणाम मिला कि आपके यहाँ पर पूरी आस्था विश्वास तो है। मैं तो इनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी इन मंदिर कमेटी से कि मुझे यहाँ इस मंदिर कमेटी में जोड़े। इनकी यहाँ पर इतनी ज़्यादा आस्था हो गई है कि ये कह रहे हैं कि इनको मंदिर कमेटी में तक शामिल कर लिया जाए। तो ये रामदयाल जी कुचेरा से आते हैं, 10 से ज़्यादा बार आ चुके हैं और इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने के बाद सकारात्मक परिणाम है वो देखने को मिल चुके हैं। अभी हमने रामदयाल जी से पहले बात कर ली थी और ये बता रहे हैं कि हम 10 बार तो यहाँ आ चुके हैं, 10 बार से ज़्यादा बार आ चुके हैं और इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला। यानी आपने एक जगह बताया था कि इनको ट्यूबवेल खोदने के लिए उन्होंने खुदवा भी दी और वहाँ पर मीठा पानी मिला और बहुत कम गहराई पे। नहीं, रामदयाल जी जैसे भक्त है जिनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप भी कुछ बताएंगे इनके बारे में, रामदयाल जी के बारे में? गरीब व्यक्तियों के मेरे जो आराध्य देव है रगतमल भैरुनाथ महाराज। अच्छा। गरीब के चरणों के दास बनने को तैयार है, कन्या के लिए किसी भी शक्ति को टकराने के लिए तैयार है, गौ माता के लिए किसी भी देव या दैत्य या राक्षस से टकराने को तैयार है। और जिन्होंने आत्मा से मेरे आराध्य देव रगतमल भैरुनाथ को जब जब पुकारा है, नंगे पांव बाबा ने उनकी दौड़ के सेवा की है, उसी का परिणाम है इस भाई ने दिल से पुकारा। अच्छा। और ये पूरा टूट चुका था, मेरे को पता था और मेरे बाप जी को भी पता था। और अगर इसका ये काम नहीं होता तो ये क्या पता कहाँ मिलते। तो बाप जी ने उनकी दिल की फरियाद सुनी और आत्मा से पुकार थी। अच्छा। इसलिए इनकी हर मनोकामना को बाबा ने पूरी की। न तो इसमें मेरा कुछ रोल है। हाँ।
अब इनकी आत्मा की पुकार और बाबा की कृपा दोनों का चमत्कार है। रामदयाल जी तो इतना कह रहे हैं कि मैं मंदिर की कार्य समिति में शामिल कर लो, यानी इनको इतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं कि तो कह रहे हैं कि मैं मंदिर की कार्य समिति में ही शामिल कर लो। हाँ, इन्होंने एक दो दफे कहा था पर अच्छा देखो इनकी भावना रही तो वो भी काम हो जाएगा। हाँ, वो भी अगर इनकी भावना रही तो वो भी काम इनका हो जाएगा। हमारा बाप की है कहीं आजागीर सब भक्तों की देन है। जीर जीर फर्क पड़िया कर कर हमारे साथ हनुमान जी है जो कि बोरुंदा से है, ये पांचवी बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो हनुमान जी, जब आप यहाँ पर पहली बार आए थे तो आप अपनी क्या समस्या लेकर आए थे? सर, मेरे हाथ और पग पूरे दर्द हो रहे थे। अच्छा, इनके हाथ और पैर दर्द कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा, और उसका कोई मेडिकल में डॉक्टरी इलाज इनको शायद मिला नहीं होगा? नहीं नहीं, मेडिकल तो गया था मैं। अच्छा, वहाँ से कुछ इफेक्ट फर्क नहीं पड़ा? जोधपुर अहमदाबाद गया था। अच्छा, कुछ फर्क नहीं पड़ा? जोधपुर अहमदाबाद तक उसका इलाज करा चुके थे लेकिन उसका कोई फर्क इफेक्ट दिखाई नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद में 5 फेरी लगा दी मैंने। अच्छा, और धीरे धीरे करीब करीब मेरे 80-85% फर्क, यानी 80-85% इनको पॉजिटिव इफेक्ट आपके फर्क पड़ चुका है। आप पहले अहमदाबाद तक जा चुके थे लेकिन कोई फर्क दिखाई नहीं दिया, और यहाँ आज पांचवी बार आप आए हैं और 80-85% तक आपके फर्क दिखाई दे रहा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम हर श्रद्धालु से बात कर रहे हैं, और यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो बाहर से भी आते हैं, और उनसे हम खुली बात कर रहे हैं कि भाई आपके साथ जो कुछ हुआ है आपको वही बताना है। तो ये बता रहे हैं कि अपना ये जो इलाज है वो अहमदाबाद तक करा चुके थे लेकिन कोई इफेक्ट दिखाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर 5 बार यानी 5 फेरियाँ ये दे चुके थे और आज इनको 80-85% है वो इनको इफेक्ट है, सकारात्मक परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं। अभी हमारे साथ है सुकराम जी जो यहाँ पर निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये एक रजिस्टर में एंट्री करने का कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कई प्रकार के श्रद्धालु हैं बाहर से आते हैं, तो एक व्यवस्था बनाने के लिए एक अच्छे से अच्छी व्यवस्था ये की गई है। यहाँ पर एक रजिस्टर ऐसा उसके एक सिस्टम बनाया गया है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपना नाम लिखवाएगा उस हिसाब से उसका यहाँ पर है सुनवाई के अंदर जो भी अपनी समस्या बताते हैं उसके अंदर उनका नंबर आता है। सुकराम जी, इसको आप मेंटेन करने का काम करते हैं निस्वार्थ, आपको यहाँ पर कैसा अनुभव होता होगा सर आपको यहाँ पर? बहुत खुशी होती है, और जिन भक्तों का भला होता है हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, और ये निस्वार्थ निःशुल्क काम है। बिल्कुल निस्वार्थ निःशुल्क है, यहाँ पैसों का कोई काम नहीं है। रामराज जी, आप भी लगातार यहाँ आते रहते हैं, आपको भी यहाँ के मानसिक शांति का एहसास होता होगा? बिल्कुल हुआ। ये यहाँ आप जो देख रहे हैं, यहाँ इनकी एक समिति बनी हुई है, ये निस्वार्थ यहाँ पर सेवा देने का कार्य करते हैं, साथ में दिनेश जी बोराना को भी आप देख सकते हैं, रामराज जी भाटी है, सुकराम जी भाटी है, उधर बबलू भाटी को भी आप देख सकते हैं, मुकेश जी शर्मा भी हैं, ये सब इनकी एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई है। इधर ओम जी भी देख सकते हैं आप, और तो इनकी एक पूरी एक समिति बनी हुई है, यही सारी यहाँ व्यवस्थाएं देख रेख करने का काम करते हैं, सबका अलग अलग काम दे रखा है।